सो वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में, हम लोग ये बताया गया था आप लोगों को कि एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, फिर एंगल्स को मेजर करने के सिस्टम कौन कौन से होते हैं, रेडियन और डिग्री। ठीक है, फिर डिग्री और रेडियन में हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे एंड तब हम लोग देखे थे कि कैसे आप एंगल्स को किस डायरेक्शन में मेजर करने पे पॉजिटिव होता है और एंगल्स को कैसे मेजर करने पे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एंगल्स अगर आप मेजर करते हैं तो कंप्लीट अगर रिवॉल्यूशन हो जाता है आपका, तो अगर एंगल्स को हम लोग को मेजर करना है और एंगल्स अगर मान लीजिए 360 से ज़्यादा हो तो कैसे मेजर करें, तो हम लोग तरीके के बारे में जानेंगे कैसे चीज़ें जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम यूज करते हैं और जो इम्पोर्टेंस है जो, तो जानते हैं कि 360 डिग्री से अगर ज़्यादा एंगल हो तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और वो कॉन्सेप्ट था कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जितना ज़्यादा रोटेशन हम लोग करेंगे, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा तो जो एंगल हम लोग मेजर करेंगे वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक रोटेट कराया, इनिशियल साइड को रोटेट करते करते यहाँ यहाँ पर लाया। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक रोटेट कराया। ठीक है, अब हो गया आपके टोटल 360 डिग्री एंगल बन गए, टोटल हमने रोटेट कर दिया वन कंप्लीट सर्किल। फिर इसके बाद इसी डायरेक्शन में, यानी इसके बाद भी हम लोग क्या करते, उसको रोके नहीं और घुमाते रहे, यहाँ पर आ गए तो क्या हो गया, 360 प्लस 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या हुआ, ज़्यादा और ज़्यादा हम लोग रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन हम लोग रुके नहीं हैं, बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा रोटेशन, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग 360 डिग्री कर दिए उसके बाद फिर जीरो से शुरू होगा, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा हम लोग रोटेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा एंगल बढ़ेगा, एंगल घटेगा नहीं, एंगल बढ़ता जाएगा। कब तक? जब तक हम लोग रोटेशन रोके ना। ठीक है, रोटेशन जितना ज़्यादा होगा एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अगर मान लीजिए 2 कंप्लीट रोटेशन कर लिए सर्किल का तो कितना होंगे, एंगल हो गया आपका 720 डिग्री। ठीक है, दोगुना हो जाएगा 360 और 360। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग डिग्री सिस्टम के बारे में। तो जो डिग्री सिस्टम हम लोग पढ़े थे तो अभी हम लोग कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो डिग्री सिस्टम जो था उसमें हमने बताया था कि वन कंप्लीट सर्किल कंप्लीट होने पे, वन फुल रोटेशन पे 360 डिग्री टोटल एंगल बनता है, और रेडियन सिस्टम में 2π रेडियन टोटल कंप्लीट एंगल बनता है। ठीक है, पहले लेक्चर में मैंने सब बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का। तो डिग्री सिस्टम में 360 डिग्री है और आपका रेडियन सिस्टम में 2π रेडियन है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे इतना ही एंगल बनता है। ठीक है, तो डिग्री सिस्टम में हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं और वो क्लासिफिकेशन है कि अगर आपका 1 डिग्री हो तो 1 डिग्री के अंदर जो है 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, मिनट्स को हम लोग ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट, सिंगल कामा वाले सुपरस्क्रिप्ट से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और 1 मिनट जो होता है उसमें आपका 60 सेकेंड्स होता है। ठीक है, इसको डबल एड सुपरस्क्रिप्ट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 360 डिग्री में कौन लोग फर्दर, अगर मान लीजिए आपका आया 1 डिग्री में, ठीक है, और मान लीजिए 1 डिग्री से छोटा एंगल बन रहा है, 1 डिग्री से भी छोटा एंगल बन रहा है, तो हाफ डिग्री ना लिखने की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब 30 मिनट्स। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री क्या हो गया, 1 डिग्री को 60 मिनट्स लिखते हैं। इट इज़ सिंपली लाइक अगर 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर से हम लोग छोटा जो 1 किलोमीटर को हम लोग किए तो क्या हो गया आपका, 1000 मीटर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार है कि अगर 360 डिग्री है, 1 डिग्री से अगर छोटा एंगल मेजर करना है तो 1 डिग्री को हम लोग मिनट्स में क्लासीफाई कर दिए। ठीक है, तो अगर हाफ डिग्री बोलने के जगह पर हम लोग क्या बोलेंगे, 30 मिनट्स, क्योंकि 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, फिर हम लोग मिनट्स को भी क्लासीफाई कर दिया सेकेंड्स में, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर हम लोग को बोलना है कि 1/60 डिग्री एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 1/60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़्यादा बेहतर रहेगा कैसे बोलेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री जो है वो कितना होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो 1/60 डिग्री कितना मिनट्स के बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, तो 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1/60 × 60 मिनट्स, यानी कितना हो गया आपका, 1 मिनट एंगल बन गया। ठीक है, फिर हम लोग हाफ मिनट की अगर बात करो तो हाफ मिनट कितना हो जाएगा इन सेकेंड्स में, वो जाएगा आपका 30 सेकेंड्स। तो मिनट्स और सेकेंड्स के जो सिंबल होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और ये यूज होते हैं, तो ये जो इंटर कन्वर्जन है मिनट से सेकेंड में। ठीक है, डिग्री को आपको मिनट में करना है तो क्या करेंगे आप, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे,
यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 60. 60 सबको मल्टीप्लाई करना होगा कब, जब डिग्री को आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, तो डिग्री को मिनट्स में करने के लिए आपको ये सब सिंपल बातें आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, डिग्री को मिनट्स करने में 60 से मल्टीप्लाई, फिर अगर मिनट्स है और मिनट्स को हम लोग 6 सेकेंड्स में करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 60. और अगर सेकेंड से मिनट को करना है, यानी उल्टा प्रोसेस है, तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सब बेसिक सी बातें हुई, इनके बारे में डिग्री में जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है. आप लोग के लिए अच्छी बात यह है कि रेडियन में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. ठीक है, रेडियन में अगर आपका हाफ रेडियन एंगल आता है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ रेडियन, उसमें कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है. लेकिन अगर मिनट्स में है, हाफ डिग्री है, अगर डिग्री सिस्टम है हाफ डिग्री है, तो उसको आप 30 मिनट्स लिख सकते हैं. ठीक है, सेकेंड्स में मल्टीप्लाई, सेकेंड्स में निकलना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेकिन रेडियन में आपको हाफ रेडियन है, इट्स ओके, आपको हाफ रेडियन ही लिखना है. ठीक है, सो देयर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन इन रेडियन सिस्टम, में आपका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं. तो अब हम लोग देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन. मैंने जो बेसिक चीज़ है आपको बताया है, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है. आपको पता है कि वन कंप्लीट रोटेशन पे डिग्री सिस्टम में 360 डिग्री बनता है और रेडियन में 2 पाई रेडियन बनता है. क्योंकि दोनों वन कंप्लीट रोटेशन पे ही बनते हैं तो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, सेम है. क्यों? क्योंकि दोनों में अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है, सेम है. तो अमाउंट ऑफ रोटेशन सेम है तो एंगल्स भी सेम होंगे. तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या आप सिंपली ऐसे याद कर दीजिए पाई रेडियन, तो इसको आप हाफ कर दिए, साइड में हाफ कर दिए, नहीं पाई रेडियन इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री. तो इसको आप एक तरफ से आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज पड़ने वाला है. रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिए, क्योंकि काम तो पड़े ना है इसका हर जगह पे. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो कन्वर्जन में क्या करना है आपको, कि इसका बस यूज करना है. ठीक है, अगर मान लीजिए सिंपल कन्वर्जन है आपका, कि आपको दे दिया कि 2 रेडियंस है, 2 रेडियंस को आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, डिग्री सिस्टम में. तो रेडियन 2 डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है आपको. ठीक है, रेडियन से डिग्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है, 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए. तो आपको पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री. तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 इक्वल टू 180 अपन पाई. ये तो बेसिक यूनिटरी सिस्टम आपको पता होना चाहिए. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ से पाई इंटू क्या है, 1 मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपन पाई. ये क्या है, डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर 1 रेडियन इज इक्वल टू पता चल गया आपको, तो 2 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोगुना कर देंगे, 2 टाइम्स 180 अपन पाई. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा इतना डिग्री, यानी पाई को आप लिख सकते हैं 22/7. तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 2 इंटू 180 नीचे होगा 22, ऊपर चला जाएगा 7. आप इसको साल फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इतना ही डिग्री आएगा. अब बात यह है कि अगर मान लीजिए डिग्री कितना है, डिग्री में कुछ अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करें तो मान लीजिए कुछ वैल्यू आएगा. हम अभी उसको सॉल्व करने के एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. अब हम बात करें कुछ तरीके की, कि अगर मान लीजिए आपका आंसर आया कुछ 42 डिग्री, आपका 42 डिग्री हाफ 42 होल, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए 42 होल 1/2 आ रहा है आपका, इसको सॉल्व किया आपको इतना वैल्यू आया 42 होल 1/2. तो आप क्या करेंगे, ये टोटल डिग्री में है तो 42 डिग्री को तो आप डिग्री में लिख दीजिए, लेकिन जो हाफ डिग्री है उसको अभी बताया गया कि हाफ डिग्री है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो हाफ डिग्री को आप क्या लिख दीजिए, 30 मिनट्स. ठीक, तो 42 डिग्री 42 और 1 ऑफ हाफ को क्या लिख देंगे, 42 डिग्री और हाफ डिग्री जो उसको आप क्या लिख देंगे, 30 मिनट्स. ठीक है, मान लीजिए हाफ मिनट हो तो क्या लिख देंगे, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करके लिख देंगे. तो ये कन्वर्जन है, ये कुछ ऐसे हैं. ठीक है, इसका बस आपको इसका इस्तेमाल करना है. पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, यहाँ से आपको 1 रेडियन पता चल जाएगा. मान लीजिए डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री से रेडियन में करना है. ठीक है, मान लीजिए आपको डिग्री से रेडियन में करना है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई अपन 180. ठीक है, मान लीजिए 22 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स जो हैं उसके क्वेश्चन से उनके भी वीडियोज बनाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करके. ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, प्लेलिस्ट में आप पूरे वीडियोज़ को, पूरे लेक्चर्स को आप जाकर देख सकते हैं. और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.